आज मैं बनाने वाला हूँ AIS स्मार्ट डिवाइस, मगर मैं ये कर क्यों रहा हूँ। तो रिसेंटली मैंने ISO स्पीड की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो विराट कोहली के AI वर्जन से बात कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये करूँ। इसीलिए कैरेक्टर के तौर पर मैंने चूज कर लिया स्मार्ट डिवाइस को और फिर रिसर्च में लग गया कि AI कैसे बनाते हैं। मुझे ये सब के बारे में 1% ज्ञान नहीं है, इसीलिए मूड है ChatGPT के पास चला गया और ChatGPT ने मुझे ऐसा तरीका बताया जिसे देखकर मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मैंने उससे एकदम कायदे से पूछा कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें कोडिंग वोडिंग की जरूरत ही ना पड़े। फिर उसने मुझे 2-3 वेबसाइट बताई। फिर मैंने सारी वेबसाइट पर अपना मुंह मारा, मगर कोई भी वेबसाइट बढ़िया नहीं थी। जो भी वेबसाइट थी सबकी सब चैट बोर्ड थी, मतलब कि जैसे इंस्टाग्राम पर तुम किसी लिंक के लिए रील पर कमेंट करते हो और DM में तुम्हारे लिंक आ जाती है। तो जो हमें वेबसाइट मिली थी सारी की सारी यही चैट बोर्ड बनाती थी, मगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें हम अपना कैरेक्टर डाल सकें और उसे अपने हिसाब से ट्रेन कर सकें कि उसे क्या करना है। अब मैं दोबारा से रिसर्च करने में लग जाता हूं और फाइनली मुझे एक तरीका मिल जाता है। तो डिस्कॉर्ड पर मैंने एक बोर्ड देखा था जो कि बात करता था हमसे हिंदी में, तो मैंने सोचा इसे आखिरकार किसी बंदे ने बनाया ही होगा, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही एक बोर्ड बनाऊं और उसमें सारी की सारी खूबियां स्मार्ट डिवाइस वाली डाल दूं और वो बोर्ड अपने आप को जैसे स्मार्ट डिवाइस समझे। इसीलिए इस काम में मैं लग जाता हूं हाउ टू मेक AI बोर्ड फॉर डिस्कॉर्ड, और साथ ही में मैं अपने कुछ दोस्तों से भी पूछता हूं कि इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ पता है या नहीं। तो उसमें से एक दोस्त मिल जाता है जो कि AI बोर्ड बना चुका है और उसका बोर्ड था पोजा लॉन्चर का, मतलब कि अगर तुम्हारे पोजा में कोई दिक्कत है तो तुम्हें बता देगा सब कुछ। तो फाइनली हमारे पास अब कोई भी कमी नहीं थी। मैंने अपने दोस्त से बनाने को पूछा और वो मान गया बनाने को, इसीलिए मैंने उसे स्मार्ट डिवाइस का बैनर लोगो सब कुछ दे दिया और उस बंदे ने 3-4 घंटे बाद बनाकर दे दिया। मगर बनाने के बाद भी इसमें कुछ दिक्कत थी, जैसे कि कुछ क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उसे हमने एकदम कायदे से ट्रेन किया पहले ताकि वह बिल्कुल एकदम स्मार्ट डिवाइस जैसी हरकत करे, और उसके बाद फाइनली हमारा AI स्मार्ट ही बनकर रेडी हो चुका है। नाउ अब हम इसे ट्राई करते हैं और इसे आप भी ट्राई कर सकते हो, मगर कैसे ये मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो सबसे पहले अभी एक बोर्ड एक सर्वर में है तो इसे हमें मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया हेलो स्मार्ट डिवाइस, जिसका रिप्लाई हमें तुरंत मिल जाता है हेलो स्मार्ट हियर, क्या कर रहे हो। अभी देखो ये एक सर्वर में है तो इसे नहीं पता कि मैंने इसे ही पूछा है क्वेश्चन, इसीलिए अगर आप सर्वर में इससे बात करोगे तो आपको या फिर रिप्लाई करना पड़ेगा या फिर उसे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने रिप्लाई में पूछा है क्या कर रहे हो, उसका आंसर तुरंत आ गया मैं अपने हिमलेट सीरीज के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ये बोर्ड देखो वीडियो बना रहा है आराम से। आपकी GF का नाम क्या है? मेरी GF का नाम क्वीन जैस्मीन है। वैसे पर रियल वाले स्मार्टी भाई ने भी तो ये कबूल कर लिया कि उनकी GF क्वीन जैस्मीन है। ओ, मेरी गर्लफ्रेंड भी डाली हुई है। वाओ। तो देखो अभी हमने इसे सर्वर में ट्राई किया है, लेकिन अगर आप स्मार्ट डिवाइस अकेले में बात करना चाह रहे हो तो बस उनके लोगो पर क्लिक करो और मैसेज कर दो। मैंने यहाँ पर सिर्फ हाय लिखा और यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा मैसेज आ गया, इसीलिए मैंने लिख दिया हिंदी में बताओ। वेल देखो यहाँ पर पूरी डिस्कॉर्ड वाली बातचीत है और इसे हमें एक बंदा याद आता है बेलुगा, और ये रही बेलुगा की स्टाइल में वीडियो। I'm dying. Help me. गाइस अगर आपको भी इस बोर्ड का यूज करना है तो सिंपली मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा यूट्यूबर्स का, जहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में ही ये स्मार्ट डिवाइस का बोर्ड है। वहाँ पर आप डायरेक्ट स्मार्ट डिवाइस से बात कर सकते हो और अगर पर्सनल में जाना है तो वहाँ पर मैसेज कर देना उनको डायरेक्ट, और एड पर क्लिक करके इसे आप अपने सर्वर में भी लगा सकते हो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा। अगर अभी तक मेरे गेम प्ले वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, एक नंबर की एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा।